कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं? कितने बच्चे जुड़ गए हैं? आई होप आप सब बढ़िया हैं, एक नंबर है, मजे में हैं सभी के सभी। आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आई होप ये कोर्स जो लॉन्च हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, आप समझेंगे और जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको सबसे पहले ये बताना है, आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको आवाज़ क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? कुछ वीडियो ऑडियो में कोई भी इशू है? आप एक बार मुझसे क्लियर कर लीजिए और फिर बता दीजिए जल्दी से, तो हम हमारा आज का लेक्चर चालू कर देंगे। जल्दी से बता दीजिए मुझे, आवाज़ वगैरह प्रॉपर है? मैं अनुज चौबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस अनअकैडमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सब कुछ क्लियर है? ठीक है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि आज हम ट्रांसपोर्टेशन का एकदम बेसिक से बताऊंगा। आज आपको क्वेश्चंस पे भी ध्यान दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा हर 2-3 दिन में, जैसे वो टॉपिक खत्म होगा उसके क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, आज एकदम बेसिक बात करूंगा, गेट में कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करूंगा, जो स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती है एई, जो एमपी में रहते हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जो भी एग्जाम होती है उसमें क्या रोल प्ले करेगा, और स्पेशली जो एसएससी जेई की एग्जाम आ रही है अभी और फॉर्म भी आ गए हैं आप भर दीजिएगा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस साल की एग्जाम होने वाली है ना, डेट आ गई है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर रहना है। मैं शुरुआत का 15-20 मिनट आज से कंसेप्ट बेस बताऊंगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक अगर हमारा चैनलाइज वे में पढ़ाई करें तो बेटा बहुत सही रहता है, तो वो हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, आ गए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन जिन बच्चों ने नहीं किया। ठीक है, अगर आपको पसंद आया, बड़ी मेहनत से पूरा कोर्स मैंने बना लिया है, मुझे क्या क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है प्रॉपर, आज आप मेरे नोट्स देखेंगे मैंने कितनी मेहनत से नोट्स बनाए, आज आपको मैं अपने नोट्स जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो नोट्स आपको दिखाऊंगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये मेरा टाइम टेबल है, आप लोगों से बोला है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2:30 बजे रोज मिलने वाला है आपको यूट्यूब पर, है ना। अनअकैडमी पे अपनी स्पेशल क्लास 6:30 बजे। अब एक नई चीज मैं ला रहा हूँ, एक नई चीज ला रहा हूं अनअकैडमी पर। वो नई चीज क्या है मेरे भाइयों? वो नई चीज बहुत गौर से सुनिएगा, क्या है वो नई चीज? ये है दोस्तों कि अब हर 3 दिन के बाद एक आपका टेस्ट होगा, हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट होगा। 3 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक पे टेस्ट है, आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। इस तरीके से एकदम लेवल की प्रिपरेशन कीजिएगा, लेवल के क्वेश्चन आएंगे हर 3 या 4 दिन बाद। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा मिनिमम एवरी ट्यूसडे तो लूंगा ही लूंगा, 15-20 मिनट आधा घंटे का एक टेस्ट होगा, जो हम टेस्ट लेते थे उसी हिसाब का। ठीक है, तो ये क्विज डे मैंने डाल दिया है 10 बजे रात में, और ये क्रैश कोर्स जो एवरी संडे आता है। तो अब मैं बहुत मेहनत से, बहुत इंटेंसिटी से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बस आपको एक चीज करना है, मेरे साथ बने रहना है और अपने दोस्तों को लाना है। ठीक है भाइयों, तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, और बने रहना है मेरे साथ, हम मिलके बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर हम मिलेंगे डेली 6:30 बजे। तो अब ये जो 6:30 बजे वाली क्लास है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक और बात बता दूं, बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर प्लीज क्लास सुबह की टाइम शिफ्ट कर लीजिए। देखिए जो ये जो मेरे बच्चे हैं, जो बहुत से बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करके टाइम सेट कराया, अगर उनका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला तो मैं आपकी बात पे आ जाऊंगा। आप अभी कोशिश कीजिए इस पे आने की, क्योंकि ये बच्चे आते हैं। अब मैं देख रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में कितने आते हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सर ट्रांसपोर्टेशन में हम लाइव आएंगे, तो ये अगर लाइव आते हैं तो बेटा ये टाइम मुझे भी सूटेबल है, और बच्चे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं डाल सकता हूँ, अभी यही टाइम चलेगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिए इस टाइम में आने की। चलिए सब्सक्रिप्शन से बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ने वाली है, आपको पता है। प्लस पर 2-3 प्लान चालू हो गए हैं, और एक प्लान चालू होने वाला है क्रैश कोर्स का। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बेटा, जल्दी से ले लीजिए, और इस कूपन कोड को याद रखिए। कोई भी दिक्कत है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपको पता है मेरा नंबर, है ना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी आपको पता है, एक डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चाहे तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी आ सकते हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ नोट्स और पीडीएफ वगैरह के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा, जाके सर्च कर लीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। अब भैया बने रहना है, आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, आरसीसी कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग, है ना, सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है आरसीसी। ठीक है, तो आज आप मेरे नोट्स देखेंगे, आई होप आप इंजॉय करेंगे, नोट्स को बहुत प्रॉपर वे में बनाए हैं मैंने, पूरा मतलब सोच के बनाया है, अप टू इंजीनियरिंग सर्विसेज।
इंजीनियरिंग सर्विसेज तक का सोच के मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए है ना, उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डाले हैं, प्रैक्टिकल फोटोज भी डाली हैं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो है ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब ये मैं बात कर लेता हूँ गेट में किस तरीके से इसको पूछा जा रहा है। गेट में पता नहीं दोस्त, मुझे नहीं पता अभी उसके बारे में, आइडिया नहीं है मुझे अभी, बात करूंगा बाद में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यार 11 नंबर है। तो देखिए 2008 से लेके 2018 तक का है ये, 19 का भी डाल देता हूँ। तो भैया 9 से 10 मार्क्स का तो पक्का गेट में आ रहा है, हलुआ है ये। ये हलुआ हमें छोड़ना नहीं है भाई, बहुत हलुआ क्वेश्चन आते हैं और जो मैं बताऊंगा उसके बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, जैसे हमने सोम पढ़ा, जैसे आरसीसी पढ़ा। ठीक है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। तो हमें एक काम करना है, बस आप फोकस रहिएगा। मैं 20 से 25 दिन में, मैक्सिमम 25 दिन बोल रहा हूँ अगर मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, एक महीना अगर क्वेश्चन भी ऐड कर लूँ सिलेबस में 20 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना। अगर मैं क्वेश्चन भी लेता हूँ तो 1 मंथ मैक्सिमम, तो 1 मंथ में पूरे आपको मैं ये 9 से 10 मार्क्स दिला सकता हूँ, पूरी तैयारी करा सकता हूँ। आपका काम है बस जुड़ना और आपको यहाँ आना है, 9 से 10 मार्क्स चाहिए हैं तो। ठीक है, इनमें से हमें एटलीस्ट 8 नंबर लाने हैं, देख लिए ऑन एन एवरेज 9 नंबर का आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो ये हमें चाहिए है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा पूरा। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ पूरा मतलब क्या होता है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रेलवे और रोड यार या जो भी छोटी मोटी चीजें उनको भी लूंगा, एयरपोर्ट, तो ये चीजें मैं लूंगा। ये देखो लिखा हुआ है सब कुछ मैंने, टेंशन मत लेना। सबसे पहले हाईवे से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता है, मैं देखिए आज बिल्कुल बेसिक बातें करने आया हूँ, आप लोगों की जो जो डाउट है सब क्लियर करने आया हूँ और पढ़ूंगा भी आज। आज हम डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या चीजें हुई थी सब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बताऊंगा, मैंने मेहनत से बनाई है खुद से, मटेरियल भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। बस आपका काम है बने रहना, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, मैं यहाँ पे सारे नोट्स भी डाल दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अनुज चौबे PDF लिख दीजिएगा, ठीक है, मिल जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें, ध्यान से सुनिएगा। जो हाईवे है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें से जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वहां पे एक टेबल काम आएगी, वो टेबल में बताऊंगा, दो टेबलें हैं वो टेबल में बता दूंगा, मैं बना के लाया हूँ तो वो टेबल है। ठीक है, उसके बाद हाईवे में अपन को क्या क्या पढ़ना है, देखो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ आज थोड़ा सा। देखिए हाईवे में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, कहाँ से डेवलपमेंट चालू हुआ, क्या क्या प्लान बने, 20 ईयर नागपुर प्लान, रोमन प्लान, मैकयार्ड प्लान, WBM नाम सुना होगा, क्या होता है ये WBM और ये क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ये मैकयार्ड प्लान क्या है, किस तरीके से ये एक्सप्लोर किया गया, नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ये सब क्या है, हम डिटेल में इस चीज को लेंगे। ठीक है बेटा, तो एक ये चीज होगी। उसके बाद आते हैं हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे। अब जब क्या होता है, जब हमारा जो रोड बनाना है, हाईवे मतलब क्या हुआ हमारी रोड है ना, तो रोड का जो प्लान है उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट और इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब कितना शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, चलो शोल्डर पता ही नहीं क्या होता है, कितनी बगल में डिस्टेंस छोड़ना है, दो लोगों, दो व्हीकल जा रहे हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस रहेगी, वो सब देखेंगे। ठीक है, इसमें और भी चीजें हैं, डिटेल में लेना है इसको। इसमें मैं जाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल्स में, जो हमारी पेमेंट डिजाइन करने वाले हैं, जो हमारी पेमेंट डिजाइन होगी उस पर जाऊंगा, पेमेंट डिजाइन। अब भैया पेमेंट कितने टाइप की होती है पता है क्या किसी को, दो टाइप की पेमेंट के बारे में हम जानते हैं, अभी मैं सिर्फ एक इंट्रो ले रहा हूँ। दो टाइप की पेमेंट होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल और एक कौन सी होती है, रिजिड, है ना। अब जो फ्लेक्सिबल होती है उसका एक और नाम है, जल्दी बता दो, बिटुमिनस की जो बनती है, और ये रिजिड किसकी बनती है, कॉन्क्रीट की बनती है। इसमें 3 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, सब चीजें डिटेल में लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। अब ये जो पेमेंट है इसके बिल, इसमें मटेरियल कौन से लग रहे हैं, वो मटेरियल को भी डिस्कशन करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं, उनके बारे में भी करेंगे, मटेरियल कौन कौन से हैं, बिटुमिन के क्या है, फिर ये सब जो चीजें उनको भी पढ़ना है। ये कर्व क्या होता है, बहुत दिक्कत है, कर्व क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, ये शोल्डर की बात हो रही है क्या, क्या होते हैं ये सब चीजें, OSD क्या होती है, ASSP क्या होती है, इन सबको बहुत डिटेल में लेने वाले। ठीक है, आपका बस एक ही काम बनता है, परम कर्तव्य बनता है, 2:30 बजे आपको जुड़ना है डेली। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे रेलवे पे और एयरपोर्ट प्लान, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ा जाएगा,
आपका बस काम है जोड़ना। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी मेहनत, अगर मेरे आपकी पीपीटीज, मेरे नोट्स, मेरा सर्च करके अलग अलग जगह से लाना चीजें पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। जब तक मैं पानी पी लेता, बिल्कुल 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 सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ है भाई, सब सब लेंगे, बस बेसिक से पढ़ाई करो। कैसे पढ़ना है अपन को? बेसिक से पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? बेसिक से। अब बेसिक से बात करते हैं। देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ जब जहां पे, तो वहां पे कुछ चीजें हुई, कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड हो गए। उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का मेन पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं बोलूं मेन पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस ये है कि भैया एक तो हम हमारी जो इकोनॉमिक है, पैसे की जो है, सब कम से कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज सेफ रहें। दूसरी चीज सेफ रहें मतलब भैया एक्सीडेंट ना हो जाए। तीसरी चीज क्या रखती है? सेफ हो गया, पैसे हो गया, जल्दी पहुंच जाए। अगर ये तीन कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, सही हो गया, ठीक है। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो भैया मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेफ, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट, ठीक है। ये मेन चीज थी। अब इनने क्या किया, इनमें हम जो रोमन से ये सब आता हूं, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं? एक छोटे से एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईवे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे, इसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है? अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है इनमें से, तो ऑब्वियसली बात है आप बोलेंगे जो एरोप्लेन में जाते हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम एफिशिएंट है, टाइम बचाता है हमारा, ठीक है। तो बस यही चीजें लिखी हुई हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं देखना, बिल्कुल है ना, एयरवे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए एक रोमन रोड थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि कुछ मत करो, ये बात हो रही है 312 BC, है ना, ठीक है, बहुत पहले की बात हो रही है। इन्होंने क्या किया, बोल दो कुछ मत करो, इन्होंने बोला कुछ मत करो, क्या रोड ही तो बनानी है, कुछ मत करो, ऐसे पत्थर पत्थर रख दो नीचे, और बड़े बड़े पत्थर रख दो और नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दो, बस बन गई रोड, और यहाँ पे एक स्टोन टाइप का प्रोवाइड कर दिया, बस हो गया, रोड बन गई। क्या दिक्कत हो सकती थी भैया, सही तो जी रहे थे जीवन। अब मैं आपको वो रोड दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे अरे ये रोड तो मैंने देखी है। अच्छा बच्चे पढ़ के आए हैं इसको, फॉर श्योर इसको पढ़ के आए, रोमन रोड्स क्या होता है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा, ये फिगर नहीं, ये तो हम इंजीनियरिंग फिगर है, प्रैक्टिकल एक फिगर दिखाऊंगा। आपने लाइफ में हर बार प्रैक्टिकली वो फिगर आपने देखा है, लेकिन आपने कभी भी रोमन रोड से उसको कनेक्ट नहीं किया होगा, फॉर श्योर, है ना, फॉर श्योर नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस वन ये होता है। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बेटा, ऐसी रोड बनाने में दिक्कत क्या रही थी, किसी ने, अगर किसी का दिमाग ओपन है तो बता पाएगा क्या दिक्कत आ रही थी, बताओ जरा क्या दिक्कत आ रही थी इस टाइप की रोड बनने में, इस टाइप की रोड बनने में क्या इशू था, इस अच्छी रोड थी, क्या दिक्कत क्या थी इस रोड में। इस रोड में देखिए दो तीन चीजें तो मैं आपको साफ साफ देख रही हूँ, ड्रेनेज की दिक्कत है जो आप बीच में प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज का इशू हो गया। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए क्या हुआ, ये मेरी रोड है, ये मेरी रोड सरफेस है, अब ये सब ग्रेड सरफेस क्या होता है, सवा हुआ है ना, यहाँ पे मेरा व्हीकल खड़ा हुआ है ना। जब मैं डेप्थ में नीचे जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा जब मैं डेप्थ के साथ नीचे जा रहा हूँ, क्या मेरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, क्या इसमें स्ट्रेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऐसे, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मेरा ए है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लिया सी और ये डी, ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, यहां पे स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं व्हीकल के कारण, वो ज्यादा है कि यहां पे ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, बच्चों के कमेंट आएंगे सर ए पॉइंट पे ज्यादा है, तो सर जब यहाँ पे, जब धीरे नीचे मैं जा रहा हूं तो मेरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है, यहाँ पे तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बड़े पत्थर क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं,
बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? तो जब स्ट्रेस को, जैसे हम क्या बीम बनाते थे, जब मेरी बीम बनाते थे तो मैं क्या करता था, जहां पे जो चीज, यहाँ पे क्या आ रहा था अपना कंप्रेशन, है ना, यहाँ पे मेरा टेंशन, तो मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट दूं ही क्यों? बस समझ रहे हैं, जब यहाँ पे टेंशन है और हमारा टेंशन सरिया लेने वाला है, क्यों दें? समझ रहे हैं, ये बात हो रही है। इससे क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, फास्ट रैपिड होगा। और दूसरी चीज, ड्रेनेज की भी दिक्कत आ रही थी, तो ये सब इशू किसमें हो रहे थे अपने, ये सब किसके इशू थे, इसमें रोमन, ठीक है? तो रोमन रोड्स का जो प्लान था, इसमें ये सब दिक्कत थी। अब जो मैंने आपको चीजें बता दी हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सब क्लियर करी है भैया मैक्लॉयड ने। किसने क्लियर करी ये सब? मैक्लॉयड ने। मैक्लॉयड ने बोला कि भैया जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम के साथ, क्लियर है, टाइम के साथ जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर एरिया बढ़ रहा है, एरिया ज्यादा हो रहा है तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, और स्ट्रेस अगर ज्यादा हो रहा है तो एरिया कम लगेगा, ठीक है? तो ये जो इतने सारे पत्थर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो मैक्लॉयड ने इन चीजों को, ये जो वाटर बाउंड मैकेडम हम पढ़ते हैं, ये सब जो चीजें जितनी भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, ये सब किसने इंट्रोड्यूस करी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है मैक्लॉयड ने कराया, ठीक है? यही एक इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक में, ठीक है? रोमन के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने बता दिया, वो पत्थर जैसा स्टोन रखता था। ये फिगर आप देख लीजिए एक बार, और इससे ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाने की बेटा जरूरत नहीं। ये कर्व स्टोन है, ठीक है? इसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेट इतनी रखी है हाइट। ये ब्रोकन स्टोन लाइम मोटा डाल दिया बीच में, और ये लार्ज स्टोन डाल दिए, इनकी जरूरत नहीं थी। मैं जूम कर दे रहा हूं एक बार, आप ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, इसकी जरूरत नहीं थी बेटा, है ना? तो इसकी जब जरूरत नहीं थी तो ये क्यों प्रोवाइड किया गया, ये क्यों प्रोवाइड किया गया? तो इसी चीज को किसने ओवरकम किया बेटा, इसी चीज को मैक्लॉयड जी ने ओवरकम किया। बात समझ आ गई यहां तक? आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक मिनट रुकिएगा बेटा, है ना, ये लाइट मैं ऑन कर लूं, एक मिनट बस रुकिएगा, मैं लाइट ऑन कर रहा हूं। हाँ जी, ठीक है, चलिए चलिए। तो भैया ये चीज हो गई थी, तो ये चीज आपको समझ आ गई ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, बस यहां पे ये समझने वाली चीज थी जो हमने समझ ली है। अब मैं आता हूं मैक्लॉयड पे। देखिए मैक्लॉयड ने ना बहुत काम किया इसमें, है ना, मैं आऊंगा उस पर भी, टेंशन मत लेना। मैक्लॉयड पे तो डिटेल में बातचीत होने वाली है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, है ना? तो मैक्लॉयड ने देखो, ये वाटर बाउंड मैकेडम लिखा है, यूज सॉइल टू फाइंड स्टोन्स, ठीक है? ये अपन मेनली बात हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की। किसकी बात करेंगे हम मेनली? जो बात करने वाले हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो ड्रॉबैक ऑफ रोमन रोड पैटर्न लिख लेते हैं एक बार, किसी को लिखना हो तो लिख सकता है। ड्रॉबैक क्या क्या होगा इसके भैया, देख लो मैं बता देता हूं, आप लोग लिखिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक तो था नो ड्रेनेज, क्या था? जी जी जी, ठीक है, नो ड्रेनेज। सेकंड बताओ जल्दी से, जल्दी सेकंड बताओ, सेकंड कोई कमेंट करेगा जल्दी से करो, कोई नहीं कर रहा है तो मैं लिख, नो क्रॉस स्लोप। सेकंड चीज, नोट्स में अपने डाल सकते हैं इस चीज को आप अपने नोट में डाल सकते हैं, ठीक है? दत्ता जी हेलो, कैसे है दोस्त, है ना? नो सेफ, ठीक है भैया, एक्सीडेंटल कंडीशन पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, नो सेफ लिख देता हूं। चलो, और एक और चीज मैंने बताई थी, आपने बोली नहीं अभी, एक और चीज बोली थी, नहीं बोली आप लोग ने अभी तक, अन इकोनॉमिकल। क्यों अन इकोनॉमिकल क्यों हो रहा है? लार्ज फाउंडेशन में लार्ज जो स्टोन दिए गए हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब यहां पे कुछ बच्चे जरूर फॉर श्योर कमेंट करें, बिल्कुल सही मयूर ने, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, ठीक है? तो जो बॉटम में क्या वो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, देखिए इसमें ड्रॉबैक है। हम बोलेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार फाउंडेशन में अच्छे बड़े बड़े पत्थर दिए, ये तो अच्छी बात है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बेटा उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की। आप अपने घर पे हेलीकॉप्टर ला के रख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, हेलीकॉप्टर रखा है, उसकी क्या जरूरत है तुम्हें, ठीक है?
एग्जाम्पल ऐसे दे दिया मैंने एक, ठीक है, तो उसकी बेटा जरूरत ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर आप लाके रखो यहाँ पे, ठीक है भाइयों। तो अब ये चीज याद रखिए, तो जितने भी उसमें ड्रॉबैक थे, उसमें सारी चीजें किसने क्लियर कर दी भैया, अपने मैक्लॉयड ने कर दी। क्या करा इनने, अनइक्वल सरफेस बोल दिया यार, ये तो मैंने बोला है ना शायद, नहीं ठीक है, अनइक्वल सरफेस भी था, ठीक है ना। तो इस फोटो से बहुत कुछ बच्चों को क्लियर हो गया है, बहुत से बच्चों ने ये रोड देखी होगी लेकिन इस चीज को जानते नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो इसको याद रखना, बस इतना ही पढ़ना था इसमें, ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं और मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस भरोसा रखना उतना इनफ है। जो मुझसे स्ट्रेंथ ऑफ पटेल पढ़ चुके हैं, जो मुझसे आरसीसी पढ़ चुके हैं, उनको पता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, ठीक है, और वही पॉइंट टू पॉइंट बात अपन करेंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको डेवलपमेंट में कौन कौन से अपन को पढ़ना है सिर्फ उसकी अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए ये आए, इन्होंने क्या किया, एक स्लोप भी प्रोवाइड कर दिया, क्रॉस स्लोप, ठीक है, एक क्रॉस स्लोप भी दे दिया, ठीक है, एक चीज हो गई। इन्होंने क्या किया, टॉप लेयर पे इंप्रूवमेंट स्ट्रेंथ प्राइ, क्यों, अच्छा टॉप लेयर पे स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा दे रहे हैं सर, क्योंकि टॉप लेयर पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होने वाले हैं। क्या होने वाला है टॉप लेवल पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होने वाले हैं, इसलिए टॉप लेवल पे हमने क्या किया, स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करी है, स्ट्रेंथ ज्यादा देने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब इतनी चीजें समझ आ गई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यही चीज मैं बताने वाला था, ये व्हील लोड है, इस तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सबको पता है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो बोल देना। ये क्या है, सरफेस लेयर, बेस लेयर, सब बेस लेयर और सब ग्रेड, तो लूंगा इनको, टेंशन मत लेना। अभी जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं अभी, है ना। वॉइड्स रखना बहुत जरूरी है लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक, आएंगे आएंगे, अभी सब में आएंगे, बिल्कुल शांति रखो, अभी मैं जो बता रहा हूं बस उतना देख सकते। अभी जब पेमेंट डिजाइन पे जाएंगे सब पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, ये तो भैया दो लॉ थे जो अपन ने पढ़ लिए, ज्यादा इनको डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ रहा हूं, अब देखो इतनी चीजें बता देता हूं जो एग्जाम में काम की हैं, पर चलूंगा एकदम बेसिक से, लेकिन जो एग्जाम में काम की उनको डिटेल में लूंगा, बाकी चीजें नहीं लूंगा। देखो क्या हुआ, हाईवे डेवलपमेंट प्लान, तो बहुत पहले ही हम समझ गए थे कि भैया मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही चलती आ रही थी चीजें कि भैया रोड अच्छी बनानी है, क्या करना है, रोड अच्छी बनानी है। हमें अब रोड अच्छी बनानी है तो सब अपनी फैसिलिटीज सुविधाओं के अनुसार रोड वैसी बनाते गए, ठीक है, अब वैसी रोड बनाते गए। तो जब ये क्या हुआ, 23-35 सेंचुरी BC से एक्सकवेशन चालू हो गया, ठीक है, मतलब उसी टाइम से अपन ने कोशिश जारी कर दी, शुरुआत कर दी कि भैया एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, पहाड़ काटे गए, बहुत सी चीजें हुई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें, और सुनो एक बात और बता दूं, आज ये बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूं, आपको अपना सोच को एक्सप्लोर करना है, अगर आपको अपनी सोच को एक्सप्लोर करना है बेटा तो ये सब्जेक्ट आया क्यों, जरूरत क्या है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये आपको पहले दिन अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही मैंने सोम में किया था, आपने देखा होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कैसे आया, क्या जरूरत है, क्या नेसेसिटी है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुझ पर भरोसा रखना, है ना, 1-1.5 घंटे में बहुत कुछ कवर करके जाऊंगा आज, ठीक है, और रोज ऐसे ही करूंगा, ठीक है बेटा। चलो तो ये चीजें हो गई, इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट दे दूंगा, एक बार देखना हो देख लेना, बट ज्यादा काम की नहीं है, मैंने डाल दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस वन। 1927 में एक कमेटी आई थी, जयकार कमेटी, क्या नाम था इनका, जयकार कमेटी, क्या नाम था, जयकार कमेटी, कब आई थी, 1927 में। ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है, ये दो चीजें तो याद ही रखनी है, मतलब मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये दो चीजें तो याद रखनी है, है ना, जयकर कमेटी को हमेशा याद रखना है। और इसके बाद की, अब मैं जो जितना बताऊंगा जयकर कमेटी के बारे में वो आप भूल सकते हैं, नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, इतना याद रखना है, ठीक है, इतना लेकिन आपको याद रखना है कि कब आई थी और पहली कमेटी का नाम क्या था, ठीक है। तो दिस वन इज जयकर कमेटी, 1927 में आई थी लेकिन डेवलपमेंट 1928 के आसपास चालू हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हुआ था, इस टाइम ही रोड डेवलपमेंट को एक नेशनल लेवल पे लाया गया था, ठीक है, 1927 में हम आजाद तो थी नहीं, आपको ही पता है चीज, है ना, तो इसको लाए थे नेशनल लेवल पे कि हाँ यार ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी नेसेसिटी है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे क्या हुआ था कि थोड़े मोटे टैक्स और जो भी चीजें हैं वो लगाना चालू कर रहे थे, ठीक है, तो बस इतना इनफ है, इतना याद रखिए। दूसरा आता है 1929 में आया था, 1929 में आया था, उसका नाम था सेंट्रल रोड फंड, इसका एक और नाम है, लिख देता हूं, इंडियन रोड फंड,
है ना। अब बाद में इंडिया हो गया तो इंडियन रोड फंड, तो याद रखना ना बेटा, ठीक है। अंग्रेजों का जमाना था, ठीक है। मेरे घर के पास बहुत अच्छी रोड है हमारे घर के पास भी है भाई, ठीक है। हमारे घर पे भी कोई बुरी नहीं है, ठीक है। अरे भाई था, कल केकेआर जीत गई बेटा, बोला था कि नहीं बोला था? केकेआर जीत गई कल, हालांकि मैंने मैच नहीं देखा, मैंने सोचा हार गई केकेआर, नहीं जीतेगी, बट जीत गई, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गई थी 1927 में, बनी थी, लेकिन मैंने बोल दिया ना 1928 में काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए तो एग्जाम में 1927 ही लिख के आइएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि काम वगैरह ऐसे ट्रिकी पूछे तो लिखना है ना, लेकिन 1927 ही है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, सेंट्रल रोड फंड, ये 1929 में आई थी। सिर्फ इनके नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है कब आए थे, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। जब मैं आगे जाऊंगा बता दूंगा, उनको डिटेल में लेना है, इनके सिर्फ नाम बस याद रखो, ठीक है। इस टाइम पे टैक्स ले रहे थे पेट्रोल डीजल का, जो भी ले रहे थे, 20% ऑफ एनुअल रेवेन्यू टू बी रिटेन्ड एज सेंट्रल रिजर्व। 20% जो रेवेन्यू आ रहा था उसको रिटेन कर रहे थे, ठीक है। तो देखो रहो कितने पॉइंट टू पॉइंट चीजें लाया हूं मैं, तीन पॉइंट में पूरा, जो पढ़ना भी चाहे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ नाम याद रखिए, कौन सी ईयर में आई कमिटी ये याद रखिए, ठीक है। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रोड कांग्रेस, है ना, है ना। ये पूछी जा सकती है, ये मतलब ये भी आई हुई एग्जाम में, ये भी आई, गेट में नहीं आया ये क्वेश्चन, यहाँ से गेट में मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक टेबल बताऊंगा वहां से क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, 2 बार बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कब आई भैया, ये आई जैकार कमेटी के बाद और उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ये इस पे काम कौन कर रहा था, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं चीजें, मैंने क्या बोला, एकदम बेसिक एग्जाम से लेके जो हाई लेवल तक का एग्जाम है सारी चीजें मेरे नोट्स में कवर है। हालांकि जो बेसिक चीजें उन पे मैं ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा, मैं इंसिस्ट करूंगा हाई पे, लेकिन मेरे नोट्स में सब कुछ है। मेरे नोट्स में मैं दावा कर दूंगा कि 99% चीजें आपको मिल जाएंगी। 100% आजकल कुछ नहीं होता है, कोई जम्प्स भी नहीं मार रहा है 100%, तो बट 99% मैंने पूरा कोर्स कवर किया है ना, पूरा कोर्स कवर किया और बहुत प्यारे तरीके से मैंने नोट्स बनाए, जो इंपॉर्टेंट है उसको रेड किया हुआ है, ठीक है। तो 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस आया, ठीक है। उसने क्या किया, वो किसके अंडर में काम कर रही थी, वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, दिस इज इंपॉर्टेंट। बस 1939 में आई मोटर व्हीकल एक्ट, जो रिवाइज हुआ बाद में 1988 में, है ना, और फोर्स में कब आया, 1989, मतलब अप्लाई किया गया 1989 में, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के कहानी की तरह सुनते जाओ, बस कहानी की तरह सुनते जाओ, ठीक है। चलिए तो बस ये चीज होगी, आगे बढ़ते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, अब कहानी की तरह नहीं सुनना है, अब कहानी की तरह बिल्कुल नहीं सुनना है, अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, एसएससी जे एग्जाम के लिए, है ना। अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अब आता है भैया ये आया कब, ये आया 20 रोड्स प्लान। देखो 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान बनाए गए, ऐसे बैठे बैठे गवर्नमेंट ने कहा यार 20 साल के अपन टारगेट बनाते हैं कि 20 साल में मुझे ये काम करके देने, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो 20 ईयर रोड प्लान आया उसका नाम रखा गया है नागपुर रोड प्लान, याद रखने वाली बात है, जो नागपुर वाले हैं एक आध दोस्त का नाम याद रख लो, अपन ने ऐसे याद रख लो नाक, ठीक है। फर्स्ट 2020 प्लान आया वो नागपुर रोड प्लान से आया है, कहां से आया है, नागपुर रोड प्लान से। कब आया, आजादी के 4 साल हो गई है, अब मजाक मस्ती खत्म, अब इंपॉर्टेंट चीजें चालू, ठीक है। मैं बातें देख रहा हूँ, आज मैं बहुत कम बातें कर रहा हूँ, अब मैं बातें कम करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये अब ये सब चीजें मैंने डोंट वरी पूरी टेबल में डाल दी है, देख लेना। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक बात करूंगा आपसे, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूज कौन सा प्लान एज्यूम किया गया इसमें, प्लान स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, अभी बस याद कर लो ये क्या होता है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा, हो सका तो आज ही कर लूंगा टाइम बचा तो, लेकिन इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न कौन सा प्लान इसमें एज्यूम किया गया, स्टार एंड ग्रिड, जनरली इंडिया में जितनी भी बन रही हैं इस पे ही काम करती है, याद रखना। चार तीन चार पैटर्न में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन हमें अभी याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अचीव टारगेट 2 ईयर अहेड, मतलब 2 साल पहले ही जो टारगेट थे वो अचीव कर ले गए। मैंने बोला 20 साल का हम बना के चलते हैं, हम बनाते हैं ना कि 2 साल में मेरी बॉडी इतनी हो जानी चाहिए, हो सकता है 1.5 साल में पूरी कर लियो, ठीक है। तो वही चीज इसमें हुई कि जो 20 साल का सोचा गया था वो हो गया। टारगेट क्या था, 16 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ कंट्री, क्या मतलब हुआ इसका, हर
100 स्क्वायर मतलब किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है उसमें एटलीस्ट 16 किलोमीटर तक की रोड बनी होनी चाहिए। दिस इज आवर टारगेट। बहुत डिटेल में बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इतने डिटेल में नहीं जाते हैं मैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ जो बच्चे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं ना वहां भी काम आएगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनका टारगेट क्या था ये पता है, कब हुई थी 1943 में। एक और नाम क्या था इसका, फर्स्ट ईयर वाला नागपुर था, और कौन से पैटर्न पे काम कर रही है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे, याद हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रोडों को ना 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सी कैटेगरी थी, एनएच नेशनल हाईवे, बताऊंगा क्या होता है। मैं गारंटी दे रहा हूं जितने भी बच्चे यहाँ ऑनलाइन है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सबका तो नहीं पता होगा ये क्या होता है, और हम एज अ सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए, बहुत गलत बात है ना। थोड़ा सिलेबस से अलग जा रहा हूं लेकिन हम सिविल इंजीनियर हैं, हमें पता होना चाहिए एनएच एसएच एमडीआर ओडीआर और वीआर क्या होता है ना बेटा, पता होना चाहिए। मैं देख रहा हूं आपको पूरा इंप्रूव करके जाऊंगा यहां पे, ठीक है। चलिए तो क्या किया इन रोडों को, फर्स्ट ईयर नागपुर प्लान, फर्स्ट ट्वेंटी ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान अगर बोल रहा हूं, इसका मतलब नागपुर प्लान बोल रहा हूं, रटवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एनएच एसएच एमडीआर, एमडीआर मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर और वीआर। अब मुझे कोई बताएगा एसएच क्या होता है, जब तक मैं पानी पी रहा हूं कमेंट करो एसएच क्या होता है, जल्दी कमेंट कर दो, एसएच क्या होता है जल्दी कमेंट करो, स्टेट हाईवे क्या होता है जल्दी बताओ, एनएच क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, पहले नेशनल हाईवे बताओ फिर एसएच बताओ। वाह 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 वाह, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, मतलब बताओ मुझे, एज अ सिविल इंजीनियर हम सभी को इसका मतलब पता होना चाहिए, होपफुली यहाँ पे सिर्फ सिविल ही है, सिविल इंजीनियर ही होंगे ना ये लेक्चर जो देख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए एनएच क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, बहुत जाते हो ना नेशनल हाईवे पे, क्या होता है नेशनल हाईवे, क्या होता है स्टेट हाईवे, क्या होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, क्या होता है विलेज रोड। दो मेजर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है गलत बोल, ये एसएच की डेफिनेशन बोल रहे हो तो आप गलत बोल रहे हो दोस्तों, ये एनएच की डेफिनेशन है, ठीक है। डोंट वरी मैं लाया हूं वो भी आपके लिए, बिल्कुल लाया हूं, मुझे पता था नहीं पता होगा आप लोगों को, ये देख लीजिए, नेशनल हाईवे मेनली कनेक्टिंग बिटवीन अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट एंड अदर स्टेट, दो स्टेट के बीच में जो रोड कनेक्ट कर रहे हैं दैट विल बी अ नेशनल हाईवे। देखिए ये चीजें ना एग्जाम में शायद ना पूछी जाए लेकिन हमें पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वैसे मैं डाल दूंगा लेकिन अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, ठीक है। एनएच का बोले तो ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और एनएच जो किसके अंडर में आता है, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एग्जाम्पल मैंने एक डाल दिया है, देख लेना, ठीक है, बेंगलोर और मसूरी के बीच की रोड। चलिए स्टेट हाईवे की बात करते हैं, एक ही स्टेट में ज्वाइन कर रहे हैं जब, तो वो स्टेट हाईवे हो गया डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। अच्छा मेजर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जहां पे हाईली पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब हाईली पॉपुलेशन है, ठीक है, और ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल, ठीक है, और विलेज वाली मतलब विलेज की, ठीक है। तो ये चीजें बतानी थी एक बार आपको, जिनको पता थी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता थी मैंने बता दिया। चलिए तो ये 5 चीजें हो गई, इनको मैं टेबल में कंपैरिजन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये 5 चीजें हो गई, अब इसके अंदर ये आए थे, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज मैंने बता दी एनएचएआई, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्लान पे, दूसरा प्लान कब चालू हो गया ना, देखो ये प्लान चलना कब तक था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है अब जो बता रहा हूं, ठीक है। सर पहला प्लान कब से कब तक चालू हुआ था, कब पहला प्लान जो हुआ था वो कब से कब तक था, 1943 से, सर 20 ईयर्स, 1963, लेकिन मैंने बताया है ये जो प्लान था ये 2 साल पहले ही खत्म हो गया, कब हो गया, 1941 में। तो जो सेकेंड ईयर, सेकेंड जो 20 ईयर प्लान था वो 1961 में ही चालू हो गया, क्यों, यहाँ 61 है, क्यों, क्योंकि ये 2 साल पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो कब चालू हो गया, ये 1961 में, याद रखना, यहाँ गलती हो सकती है, यहाँ पे गलती हो सकती है भाइयों, याद रखने वाली चीज है, और आज जो बता रहा हूं यहीं के, यहीं से रट के जाओगे मेरी गारंटी है। एक नई चीज चालू कर रहा हूं, जब लेक्चर खत्म होने वाला होगा उसके 10 मिनट तक अपन रिवाइज करेंगे ताकि यहीं याद हो जाए चीज, ठीक है, रोज ये करेंगे रोज, ठीक है, उस चीज को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर प्लान था, सेकेंड 20 ईयर प्लान था,
20 ईयर प्लान है ना ये, तो ये क्या था, इसका नाम क्या दिया हुआ, बॉम्बे रोड। अभी कहां थे फर्स्ट में, कहां थे, नागपुर में थे, अब चले गए बॉम्बे में, महाराष्ट्र ही में है ना, बॉम्बे चले जाओ वहीं पास में ही, ठीक है, ठीक है। तो कहां चले गए अपन, अब बॉम्बे में चले गए, ठीक है। तो ये था 1961 से 1981, वो कितना था 60 किलोमीटर, 16 किलोमीटर था, ये 32 किलोमीटर हो गया, बात समझ आ गई, ये 32 किलोमीटर हो गया। पर एक्सप्रेस भी इसमें कितना बनाया गया, 1600 किलोमीटर बनाया गया, कॉलेज के टेस्ट में यही पूछा था, है ना। तो भैया मैं सब बोल रहा हूं ना, आपका जीवन उद्धार कर दूंगा 25 दिन में, पूरा जितना आने वाला है यूनिवर्सिटी में पूरा पढ़ा दूंगा, और देख लो कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इतना तो शायद आपकी बुक में भी ना दिया हो, चलो, है ना। और सारी चीजें अपने हिसाब से लिख के लाया हूं जैसी मुझे ठीक लगती है, ठीक है। लास्ट प्लान की तरफ आते हैं, लास्ट प्लान चला, अब भैया सेकेंड जो प्लान चला था वो कब से चला था, 61 से 81 चला था क्या, अगला जो लास्ट चलेगा वो कब से कब तक चलेगा, 81 से 2003, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। पहले में कितना लिया था अपन ने, 16, उसके बाद कितना लिया, 32, टारगेट लिया था 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, याद है, ये 32 लिया था, लास्ट वाले में कितना ले लिया, 82, याद रखना बेटा ये चीजें, है ना, ठीक है, ठीक है ना। ये इसका नाम क्या है, लखनऊ, सबसे पहले नागपुर, उसके बाद आ गए बॉम्बे, उसके बाद चले गए लखनऊ पे, ठीक है। लैग, एल फॉर लैग याद रख लो, लास्ट वाला जो एल फॉर लास्ट याद रखो, जो लास्ट वाला रोड डेवलपमेंट प्लान था दैट विल बी अ लखनऊ रोड प्लान, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनमें कुछ चेंजेस करे गए, अभी हमने क्या किए थे, हमने क्या किया था, रोड को ना 5 वार्ड में डिवाइड कर दिया था, याद है, रोड की, रोड को 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। वही सेम चीज चली नागपुर वाले में भी, वही सेम चीज चली बॉम्बे वाले में, लेकिन जब अपन लखनऊ में आए, लखनऊ ने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया, क्या कर दिया भैया चेंज, थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया, चेंज ये करा कि उन्होंने प्राइमरीज और सेकेंडरी और टर्सरी रख दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, जहां इंपॉर्टेंट बोलू वही स्क्रीनशॉट, जहां पे भी इंपॉर्टेंट बोलू वही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या फिर मैंने तो एक अच्छी चीज बताई, एक 50 पेज की कॉपी बना लो, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद अपने पॉइंट्स लिख लेना बस, है ना। इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखनऊ वाले खुश हो गए, लखनऊ का नाम आ गया तो, है, चलो, ठीक है। तो भैया प्राइमरी में रखा एक्सप्रेस और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में रखा स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और टर्सरी में रखा अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, ठीक है। एक्सप्रेस वे क्या होता है पता है सबको, नेशनल हाईवे बात कर चुके हैं इन सबके बारे में, एक्सप्रेस वे के बारे में बात नहीं करी शायद, बिल्कुल एग्जाम्पल से याद रख सकते हो। तो देट विल बी आ अपने 3 जो हैं रोड डेवलपमेंट प्लान के बारे में बात कर ली। अच्छा सर इतना मैं डिटेल में याद नहीं कर सकता, तो मैं एक टेबल बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। एक मैंने बता दिया, स्टार ग्रिड वाला याद रखना है, वो रोड पैटर्न अभी तक मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या, वो अपन को रोमन जो है वो याद रखना है, थोड़ा सा रोमन जी के बारे में, मैक्लॉयड के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। वही मैक्लॉयड के बारे में बताया क्या चीज उन्होंने बोली, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टाइम के साथ, जो नीचे जा रहे हो वहां पे अपना स्ट्रेस कम हो रहा है, तो उसने बोला बड़े बड़े पत्थर मत लगाओ, ये चीज हो गई। फिर आ गए अपने 3 डेवलपमेंट प्लान, अब ये जो 3 डेवलपमेंट प्लान है आते हैं एक मिनट, इस सब पे आएंगे, टेंशन नहीं है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी मेहनत से बनती है कभी, है ना, और बहुत ही शॉर्ट में, इससे ज्यादा शॉर्ट में कुछ चीजें नहीं, इस 2 चीजें इसमें नहीं है, वो 2 चीजें मैं ऐड कर दूंगा और आपको नोट्स में दे दूंगा, देख लो। पहला क्या था, नागपुर, सेकंड बॉम्बे, थर्ड लखनऊ, ये था 43 से 61। एक और चीज अगर पूछा जाए फर्स्ट 20 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो यही बोलना, ये मत बोल देना सर 1943 टू 1961, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा, है ना। वो तो 61 में अपन ने खत्म कर दिया, सॉरी 63 बोल रहा था, तो अपन ने 61 में इसको खत्म कर दिया, ठीक है, याद रखना। ये कब से 1961 से 81 और 1981 से 2000, ये चीज हो गई। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज किया गया, एक्सप्रेस हाईवे इसमें इंक्लूड नहीं था, है ना, इसमें इंक्लूड किया गया, इतनी बनाई गई, इसमें 2000 किलोमीटर तक बनाया गया, और ये चीज, यहां तक दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है ना। इसमें मैं 2 चीजें और जोड़ रहा हूं नीचे, एक जोड़ रहा हूं मैं डेंसिटी, क्या जोड़ रहा हूं, डेंसिटी, जल्दी जल्दी बोल दो मन में, ये कितना था 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, अगले में कितना था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, लास्ट वाला जल्दी बोल दो 82 था ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जल्दी बताओ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत बेटा,
किसी को दिक्कत? अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, अगर मेरी मेहनत पसंद आपको अभी समझ में आ गया होगा, नोट्स कैसे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट मिल रहे हैं कि नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कोई थ्योरी तो नहीं छाप दी मैंने, कोई थ्योरी तो नहीं दिख रही कि अरे कितनी थ्योरी छाप दी सर, देख लो कितने पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए इसमें, है कि नहीं बेटा? ये जो चीजें हैं ना, ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे नहीं बेटा, है ना, इतने बढ़िया तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज जो बच्चे चले गए हैं कि चलो तीनों प्लान समझ आ गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इसमें जानबूझ के नहीं डाली। ठीक है, जानबूझ के नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रिक खेल जाता हूँ बीच चीज में, एस्टिमेशन, है ना, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? बनाने में कितना खर्चा आया। ये जो थर्ड ईयर के लिए बात करूंगा ना, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देगा, है ना, जब आऊंगा उस पर। चलिए पहले की बात करते हैं, क्या लगता है फर्स्ट ईयर 20 ईयर प्लान किसी को पता है क्या? अपना एक अंदाजा लगा कि बताओ इसमें कितना खर्चा आया होगा, इसमें कितना आएगा और इसमें कितना होगा, आपके हिसाब से बताओ जरा। मैं देखना चाहता हूँ कमेंट में क्या लग रहा है आपको, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कितना क्या होगा फर्स्ट 20 ईयर प्लान में, जो रोड बनाई है उसमें कितना खर्चा आया होगा, एस्टिमेशन क्या रहा होगा? पैसों का मामला, पैसों का मामला है बाबू भैया, बताओ जल्दी, पैसों का चक्कर। एक एप्रोक्स तो बताओ, देखता हूं कितना सोचते हो आप लोग। चलो भैया मैं बताता हूं, पहला जो था एस्टिमेशन फर्स्ट 20 ईयर जो प्लान था उसमें आया था 500 करोड़। ये टारगेट लाइन बता तो दी कितनी बनाई थी, इसमें कहां एक्सप्रेस हाईवे नहीं इंक्लूड किया था। ठीक है, 500 करोड़ अपना इनका टारगेट बताया तो था, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, ठीक है, तो भैया जो पहले के लिए खर्चा आया था दैट विल बी अ 500 करोड़, लिख सकते हो आप चाहें तो, है ना, मैं लिख दे रहा हूं 500 करोड़। ठीक है, पहले के लिए, दूसरे के लिए जो आया था डबल हो गया था 1000 करोड़। ठीक है, ये ठीक है, याद रखो, पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या हो गया था, दिस इज डेंसिटी, बिल्कुल दिस इज डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी। अच्छा, कितनी लेंथ बनाई गई थी वो बात कर रहे हैं, एक मिनट मुझे बता देने दे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। हाँ ठीक है, उस टाइम पे सोच रहे हो 1943 में 500 करोड़, तो वो आज के कितने हो गए, 5000 करोड़ कहलाए आज के, वो है ना। चलिए, जो थर्ड 20 ईयर प्लान आया ना, इसका कोई एस्टिमेशन नहीं निकाल पाए, क्यों पता है? क्योंकि ये जो पैसा है ना, कहां से लिया गया, टोल टैक्स से, टोल टैक्स में इसको कवर किया गया। टोल टैक्स आपको पता है क्या होता है, गवर्नमेंट रोड बना देती है, कॉन्ट्रेक्टर को दे देती है और वो टोल टैक्स के हिसाब से पैसे लेते हैं, तो इसमें आप ऐसे ये याद रख सकते, कभी कोई पूछ ले तो, है ना। तो ये बस इंपॉर्टेंट चीज थी कि टोल टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है, वो ऐसे रोड में लगता है। ठीक है, आप रोड पे चलते हो तो ऐसे लगता है, समझ गए, मजा आ रहा है दोस्तों। मैं बताऊं, बहुत बोरिंग चीज लगती है बच्चों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बोर हो रहे होंगे इसमें, हो रहे हैं क्या बच्चों, बोर हो रहे हैं क्या, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। टोल टैक्स 45, अरे हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसको याद रखना है तो रख सकते हो, एक्सप्रेस वे इतने है, इतना है अपना, नेशनल हाईवे इतना है, करंट स्टेटस है ये 2019-18 का ले लो, ये मतलब आपको ना कहीं ये चीजें मिलने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिलेगी सिर्फ आपको मुझसे, बहुत ढूंढ के लानी पड़ती है चीजें, है ना, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर पता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भी जब उज्जैन जाता था ना इंदौर से, तो हम लोग से भी लेते थे यार, इंदौर से उज्जैन जाने के पैसे लेते थे, कार से अगर जा रहे थे। चलो, तो ये चीज हो गई यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज का अपन ने सारे रोड ईयर प्लान। अभी तक कोई दिक्कत आई क्या, अभी तक कोई दिक्कत आई तो बता दो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं किस पे, अब मैं जा रहा हूं आगे, चलिए आगे बढ़ो बेटा। यहां तक आई होप अगर आपको पसंद आया और अभी तक भी आपने अपने सगे हाथों से वीडियो लाइक नहीं किया तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, है ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है, तो फिर आपसे मिलना चाहूंगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं, शाम को 6:30 बजे बहुत बढ़िया क्विज हो रहा है एप्टीट्यूड का, सिर्फ क्विज, वहां ज्यादा टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास तो खैर कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशन होता है, आगे बढ़ते हैं और मजाक मस्ती होती है, तो आप वहां पे 6:30 बजे जुड़ सकते हैं। और किसी को डाउट है तो
वैसे तो सबको पता है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, अनुज चौबे PDF, इस पे PDF, और आपको मेरी चैनल की, मेरी मतलब वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में जाओ, अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आ जाओ, वहां पे भी डाल दूंगा, जहां आपको आना है आ जाइए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ रोड पैटर्न। मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि रोड बन कैसी रही है, रोड बन कैसी रही है, ये क्या था, ठीक है, अब रोड बन कैसी रही है, तो भैया पैटर्न जो है डिपेंड करता है कि वहां की लोकेलिटी कैसी है ना, किस तरीके से गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कैसा है, उस हिसाब से प्लानिंग होती है। जो प्लानिंग अपन पढ़ते हैं ना सर्वे में, तो उस हिसाब से होती है, ठीक है। तो जो है एक होता है, जो जो बता दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये और एक अगला आएगा, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न यूज फर्स्ट इन चंडीगढ़, इस तरीके से होता है। इसकी फोटोज दिखा दूंगा, ठीक है, कल दिखा दूंगा, आज फोटो लाया नहीं मैं, तो इसकी कुछ प्रैक्टिकल फोटो दिखा दूंगा, काम हो जाएगा। रेक्टेंगल रोड बनी रहती है, एक इधर से जा रही है, ऐसी जा रही, बाहर कहीं कहीं यूज होता है ऐसा, है ना, बाकी ज्यादा यूज नहीं होता, और ये ऐसी लाइन है, ठीक है, इंडिया में ऐसे यूज नहीं होता है, ठीक है। एक है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। अच्छा, ये सब ना यूज होते हैं पता कहाँ, सिटी के अंदर, अंदर सिटी के यूज हो सकते हैं, है ना, लेकिन सिटी में यूज नहीं होते हैं, उसका रीजन ये है, देख लो यहाँ पे, ट्रैफिक ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से कन्वीनियंट नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से भी आदमी आ रहे हैं, यहां से भी आदमी आ रहे हैं, क्या नाटक है, ठीक है। अगला है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ये यूज कहां हुआ था, एक बार दिल्ली में हो चुका है, ठीक है, और लिमिटेशन मेथड ऑफ कौन है, ट्रैफिक अगर, इसमें भी ट्रैफिक के चक्कर में हो रहा है, कोलिजन बहुत ज्यादा है, कोलिजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कहाँ यूज हो चुका है, नागपुर रोड प्लान में हो चुका है, आपको पता है, इस तरीके से ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, मतलब इसमें एक तो क्या है अपने लिए भैया, शॉर्टकट मिल गए, ऊपर से कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए, बात समझ आ रही है, कोलिजन होने के चांसेस कम हो गए। दिस मेथड इज मोस्ट फॉलोड वन बिकॉज ऑफ बेटर इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच ऑफ विलेजेस, टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कैपिटल, बात समझ रहे हैं, इसको अगर यहाँ जाना है तो इसे घूम के जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन इसमें ना इसको अगर यहां आना है तो ये घूम के ही आना पड़ेगा, यहां से कोई रास्ता नहीं, बस समझ गए, कनॉट प्लेसमेंट, आओ भैया, ठीक है। और ये हेक्सागोन है, रेडियल है, अपन को सिर्फ नाम याद रखना है, बस नाम लिख लो, कौन सा कहां यूज हुआ है, फोटो बना लो, बनाना है तो बस बात खत्म, खत्म हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली है, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो जो टेबल है वहां से क्वेश्चन बनने के प्रबल चांसेस होते हैं, ठीक है। इंडिया में कौन सा यूज होता है पूछ लिया जाएगा, तो क्या हो, कौन सा यूज होता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये मेन चीज थी जो अपन को करना था। अब मैं बढ़ता हूँ, जो मुझे एक और चीज मेन बतानी है, आऊंगा इस पर, टेंशन मत लेना, ठीक है, ये एक्सप्रेस वे हो गया, ठीक है, ठीक है, इसका ये आऊंगा, इसके बाद में आऊंगा, ठीक है, ये इसको मैं लूंगा जब चैप्टर खत्म करूंगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ, एक और चीज लेता हूँ, हाईवे अलाइनमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्वे। देखिए अब मैंने क्या किया, हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे जी किसी ने पूछ लिया था कि सर ट्रैफिक या हाईवे भी पढ़ाओगे, तो उसको डिजाइन करने के लिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग सर्वे और हाईवे अलाइनमेंट देखना पड़ेगा, है ना, क्या देखना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्वे और अलाइनमेंट। देखो ये जो पढ़ाने वाला हूं अभी थोड़ी देर बाद, एग्जाम में नहीं आएगा, खुद बोल रहा हूं, है ना, जाना जा सकते हैं, लेकिन अब जो कल परसों पढ़ने वाला हूं वो कनेक्ट करेगा, और फिर मैं कल परसों रिवाइज नहीं कराऊंगा, वैसे मैं करा देता हूं, आप लोग बोल देते हो, लेकिन यही पढ़ लो, बेसिक चीजें हैं, बस 20 मिनट का लेक्चर बचा है, उसके बाद आज का खत्म, कल से ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरफ बढ़ूंगा मैं, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है कोई बताना चाहेगा, जो एक सेंट्रल लेआउट होता है हाईवे का, क्या होता है, लेआउट, एक पोजीशन, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ कोई बता रहा है, एक हाईवे है उसका एक लेआउट बनाया जाए सेंट्रल लाइन से, ठीक है, एक लेआउट बनाया जाए उस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी अलाइनमेंट, बोल सकता हूं मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही, वाया दत्ता दंगल जी ने वही बोला, बोल सकता हूं ये चीज, तो यही लिखा है, द पोजिशन और द लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड
ग्राउंड पे एक सेंट्रल लाइन पाथ ऑफ हाईवे इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इसमें दोनों टाइप के अलाइनमेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल भी आएगा और कौन सा आएगा, वर्टिकल भी आएगा। ठीक है, अब भैया अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट के लिए बेसिक जो आइडियल रिक्वायरमेंट है, एक तो शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिकल। यही चीज चाहता हूं मैं, यही चाहता हूं ना, यही मेरे ऑब्जेक्टिव भी तो थे। बात समझ आ गई, यही ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ये क्या होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स? क्या होता है? जहां से हमारा अलाइनमेंट पास होने वाला है वो पॉइंट। ठीक है, ठीक है, एकदम मुझे पता है कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट पढ़ लो, क्योंकि कल ये सब चीजें जो हम आज टर्म्स बोल रहे हैं, कल ये सब चीजें यूज होने वाली है, कल जिसने पूछा वो पिटने वाला है मेरा। ठीक है, ठीक है, तो अब भैया ये क्या है? देखो, एक आप रोड बना रहे हो, बीच में पहाड़ आ गया, वो मांझी मूवी में नहीं आ गया था, तो वहां पर रोड क्यों नहीं बन पा रही थी? बीच में पहाड़ खड़ा था ना, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? तो भैया दिक्कत हो गई थी, है ना, दिक्कत हो गई थी। जा रहे हैं, बीच में नदी आ गई, अब क्या करोगे? तो दिक्कत हो जाती है बीच में, क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है बीच में। इसलिए इसलिए वो सब चीजें की, वो सब चीजों की दिक्कत इसी में। अगर वो मांझी मूवी में किसी ने ये पढ़ लिया होता कि वो सिविल इंजीनियर होता, तो वो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक, अब ट्रैफिक क्या है? द न्यू रोड टू बी अलाइन शुड कीप इन व्यू द डिजायर लाइन। एक डिजायर पाथ होना चाहिए, मैं इस लाइन में जा रहा हूं तो इसी लाइन में जाऊं, वो उस लाइन में जा रहा है तो उस लाइन में जाए, ये ट्रैफिक में आता है। अब जियोमेट्रिक, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें एक एक चीज है जिसकी आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सब इसमें मिल जाएंगी। फैक्टर सच है साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस पता है, जिसको नहीं पता पढ़ लेंगे, कैम्बर, रेडियस ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन, और भी बहुत सी चीजें आएंगी इसमें। तो ये किसके अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, ये सारी जियोमेट्रिक डिजाइन के अंदर आएंगे। और एक एक चीज सोने की तरह इंपॉर्टेंट है। देखो, गेट में क्वेश्चन बनेगा तो मेरे हिसाब से मोस्टली हाईवे से बनेगा, एक आध क्वेश्चन है एयरपोर्ट या रेलवे से बन जाए तो, है ना। मैं कल लाऊंगा टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कोशिश करूंगा कल वो ले आऊं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा, कल से इसको स्टार्ट करेंगे अपन, कल या परसों से, देखते हैं कब इस पर पहुंच पाते। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए थी हमें, तो मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, हिल रोड, चलो इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है। चलिए अब मैं आता हूँ सर्वे पे। देखिए, सर्वे करने के भी अपने क्या क्या है, पहला है मैप स्टडी। मैप स्टडी मतलब मैप में देख लिया और बता दिया। ठीक है, ये आपके जो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको काम आ सकता है ये, और या फिर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज काम आ सकती है, गेट वालों के काम नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये गेट वालों को काम नहीं आएगी, बस इतना बोल रहा हूँ। ये वाला टॉपिक ऐसा नहीं कि जो पहले नहीं पढ़ा है, वो कल जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। ये जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या जो एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एई, वहां पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो भैया पहला है मैप स्टडी सर्वे, दूसरा है रिकॉग्नाइज सर्वे, और तीसरा है प्रिलिमिनरी सर्वे, फोर्थ है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल, एंड फिफ्थ इज मैप एंड ड्रॉइंग। ठीक है, तो इनको इतने ही याद रखते हैं। मैप में क्या हुआ, अपन ने मैप में देख लिया, प्लानिंग कर ली, रिकॉग्नाइज सर्वे में जाके देख लिया कि भैया क्या क्या चीजें उसमें लगने वाली है। प्रिलिमिनरी में तीन है, कन्वेंशनल, रैपिड और मॉडर्न टेक्निक्स। ये जीपीएस तो होता है जो आजकल यूज होता है, मॉडल मतलब कि जीपीएस के थ्रू अपन ने लोकेशन लोकेट कर ली और सब चीजें। ठीक है, इनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सब अपन सर्वे में पढ़ते हैं ना, डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ बेटा जी, बिल्कुल टोपोग्राफिक भी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ बेटा लोगों की आप लोग बोर ना हो जाओ, यार यार से ट्रैफिक पढ़ने का मूड है कहाँ, आप सर्वे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो मैं इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो चीजें सर्वे में जाता है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है वो चीजें, लेकिन कहाँ इंपॉर्टेंट है, अपने सर्वे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे जियोमेट्रिक डिजाइन की, इसकी बात कर रहा हूँ जियोमेट्रिक डिजाइन की। जियोमेट्रिक में जो मेन चीजें हैं जो हमें बात करनी है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला पहला आप बताएंगे क्या होगा, मैं बताता हूं आप तो बताओगे नहीं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें? दूसरा, आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए साइड डिस्टेंस, ये सब कल आने वाला है ना, बता दे रहा हूं अभी से।
और कोई टॉपिक आपका स्पेशल हो? बिल्कुल सही, क्या बात है दत्ता जी, यार एकदम फॉर्म में है दत्ता जी तो, यार है ना, जिनको ये टॉपिक आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से, और सिर्फ 20 से 25 दिन मैंने बोला है, ये मेरा वादा है आपसे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अनलेस कि मुझे कोरोना ना हो जाए, है ना, है ना। अगला इसमें एक और आ जाएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट, है ना, ये चार तो हो गए, और क्या होता है बता दो जरा मुझे, सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन ये मेन है, देख लो सेटबैक डिस्टेंस, यार सेटबैक डिस्टेंस और ये सब चीजें इसमें क्यों आएंगी बेटा, ज्योमेट्री डिजाइन में नहीं आएंगी बेटा, एलिमेंट में आएंगी क्या, वो सब पढ़ेंगे टेंशन में, लेकिन इसमें नहीं आएंगी शायद, वो सेटबैक जो आप बोल रहे हैं, अब जो बोल रहे हैं ट्रांजिशन कर, वो कर्व का पार्ट हो गया, वो इसमें क्यों आएगा बेटा, जरा सोचो दिमाग लगाओ, है ना, इसमें नहीं आएगा, क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा हाईवे के एलिमेंट में, कि ये हाईवे का एलिमेंट का पार्ट नहीं है, हाईवे के पार्ट नहीं है सर, मतलब उसके इसी से मिलके हाईवे बना हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, है ना, आप बोल सकते हो कर्व से ही बना, एक वो फॉर्म हो गया, ठीक है, भावना को समझो, भावना को समझो मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, ये सब चीजें मैं कल लाने वाला था वैसे तो, लेकिन आज थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं, कि इनफ है, इनफ है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई स्पेशल डिमांड है तो पूछ लो, आप जैसा बोले कुछ भी बोलते हैं सर, अरे बिल्कुल, अरे इतना ग्रंथ लिख दोगे यार, ग्रंथ लिखेंगे, ग्रंथ ग्रंथ लिखेंगे सुपर एलिवेशन पे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए तो हाईवे क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते, 1 घंटा हुआ, 15 मिनट की और क्लास खींच लेते हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि इसलिए, ठीक है, चलिए, है ना। और कल से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने आया था 20-25 मिनट का, कल से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से कोई भी मिस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ बेसिक चीजें बता दूं, एक अरे 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 यार बच्चे चले गए होंगे, उनको लगा हुआ क्लास खत्म हुई, कुछ बेसिक बातें करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जो चीजें आगे काम आने वाली है, अब आपके काम आने वाली भी बात करने वाला हूँ। एक है फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अरे यार ये चीज कैसे भूल गया मैं, अच्छा हुआ मैंने रजिस्टर में देख लिया, है ना। तो फ्रिक्शन, अब जो बच्चे चले गए वो गलती कर दी उन्होंने, जो चले गए वो गलती कर दी, ये चीज मैं बताना भूल गया था, कल बताता अगर आज रह जाता तो। एक होता है लेटरल फ्रिक्शन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, क्या कोई नौजवान दोनों में मुझे अंतर बता सकता है, क्या कोई जवान मुझे अंतर बता सकता है इसमें दोनों में, और किसकी वजह से आता है ये आप लोग बताइए। बिल्कुल दत्ता, मेरा वादा है हर 2 दिन के बाद आपको मिल जाएंगी, और अभी दिखाऊं मैं आपको, दिखाता हूं मैं आपको गेट की प्रॉब्लम्स, टेंशन मत लो, मुझे जल्दी बता दो ये क्या होता है पहले, ये देख लो आप जो मांग रहे हो, शोल्डर वोल्डर सब कुछ है, कर्व्स, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का बेटा, ये देख लो एग्जांपल्स, देख लो कब आया था दत्ता जी, देख लीजिए, ठीक है। तो भरोसा रखना है बस जीवन में, भरोसा रखोगे तो सब हो जाएगा। किसकी वजह से आता है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल, अच्छा एक बात बताओ, ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कौन सा आता है, ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कौन सा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया मैंने आप लोगों से, जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से कौन सा आएगा, लेटरल की लॉन्गिट्यूडनल, जिसने इसका आंसर सही बता दिया बिना तुक्का मारे वो जीत गया आज, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल आता है, दत्ता जी बोल रहे हैं, नहीं ऋषि जी बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, बहुत बढ़िया शाबाश, सबके सब गलत हो गधो, सिर्फ एक ने आंसर सही दिया दत्ता जी ने, ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के कारण लेटरल फोर्स आता है, लेटरल फ्रिक्शन आता है, तो देख लिए ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब देखिए, अब मैं बताता हूं, तो इसलिए जब तक मैं क्लास छोड़ के नहीं जाऊं, मैं पहले क्लास बंद करूंगा उसके बाद आप जाएंगे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। देखिए लेटरल में क्या होता है, बिल्कुल सही बोले आप, अलोंग द विड्थ लगता है ना, विड्थ लगता है। अब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, दिस जा रहा है, यही है क्या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, ये यही है क्या, इसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा जब अपन गाड़ी घुमाते हैं, यही है ना। तो ये किसके लग रहा है, अलोंग द कर्व लग रहा है कि नहीं, विड्थ के, ये वाली विड्थ, बात समझ आ रही है। तो दिस विल बी अ लेटरल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लग रहा है, दैट विल बी अ लेटरल फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन किस कब आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आएगा। हाँ नहीं कोई नहीं, ठीक है। अब मुझे जो लेटरल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अप्रोक्स कितनी होती है, ये सब चीजें ना मैं बताऊंगा नहीं न्यूमेरिकल्स में, याद रखना बेटा, कुछ समझना है ये सब चीजें, आज सिर्फ बेसिक बातें कर रहा हूं। कितना होता है, ठीक है। दत्ता जी एकदम तैयारी से आए हैं, पैड वैड पहन के आज तो, कि हेलमेट वेलमेट लगा के, कि बहुत बाउंसर मारो आप, मैं छक्के छक्के मार रहा हूं आज। चलो अब लॉन्गिट्यूडनल और बता दो इसी बहाने। अच्छा एक और चीज, अब मुझे एक और चीज बताओ, लॉन्ग जैसे मैंने ये बोल दिया ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रहा है, अब ये बता दो प्लीज लॉन्गिट्यूडनल किसकी वजह से आएगा, ये बता दो कि तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ये बता दो जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो किसके बीच में आएगा, ये रोड है किसके किसके बीच लगेगा, मैं पूछ रहा हूं किस किसके बीच में लगेगा, आप बता रहे हो स्केडी। दत्ता बहुत सही जा रहे हो, दत्ता बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो, बेस अच्छा है, बिल्कुल सही, सुपर। तो जो व्हीकल का जो टायर है और जो रोड है इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है, ठीक है। आर्चर को बाद में मारेंगे, अभी गेट को मारना है अपन को, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.35 के अप्रोक्स है शायद, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल जो फ्रिक्शन है 0.35 टू 0.4 के अप्रोक्स। डन हो गई बेटा बातें, डन हो गई, चीजें क्लियर है। आप लोगों को एक होमवर्क दे हूं, आज आपको होमवर्क मिलेगा। अरे यार स्वतंत्र जी ने बोली दिया, मैं एक होमवर्क देने वाला था, आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा ये क्लियर है बेटा, फ्रिक्शन लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल फ्रिक्शन क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम में इंपॉर्टेंट है, इधर भी इंपॉर्टेंट है, सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें पता होना चाहिए था कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन किस किस के बीच लगता है, क्या होता है, लेंथ वाइज होता है, और जो लेटरल फ्रिक्शन है वो क्या होता है, विड्थ वाइज होता है। चलो ये बातें खत्म हो गई, ये बातें खत्म हो गई। अब स्वतंत्र जी ने ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र जी के क्वेश्चन को मैं ना थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर कर देता हूं। मुझे एक बात बता दो, स्किड और स्लिप, ये होमवर्क दे दूं कि आज ही बता दूं, क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। मयूर ने जो क्वेश्चन, मयूर ने बोला है, मयूर मेरा आंसर दीजिए, स्किड और स्लिप में क्या अंतर है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे बच्चों को ये नहीं आता होगा फॉर श्योर। मुझे डिफरेंस बता दो दोनों में तो मजा आ जाएगा, और मैं जो बताऊंगा वो आपको मजा आ जाएगा सुन के, चलिए। और आप समझ जाएंगे, आज ही आपको डेमो मिल रहा है कि क्या होने वाला है आगे, इतनी डीप में पढ़ाई भी हो सकती है क्या, ठीक है। जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन रट के नहीं पढ़ेंगे, रट के नहीं पढ़ेंगे अपन, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बताओ जल्दी स्किड और स्लिप में क्या अंतर होता है, जल्दी जल्दी बताओ, कोई बताना चाहे तो, कोई कम, किसी को समझ नहीं आ रहा है, नहीं किसी को समझ, ये मैं सोच रहा हूँ होमवर्क दे दूं आप लोगों को, लेकिन फिर अब ठीक है बता देता हूं। देखिए मैं एक बेहतर तरीके से बता रहा हूं, एक बोलना है सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट एक्सेलरेशन, काफी हद तक सही है मयूर, लेकिन मैं सही नहीं बोलूंगा आपको। देखिए अगर ये अपनी एक्सेस पर घूम रहा है, ये अपनी सेल्फ एक्सेस पर घूम रहा है, तो इसको मैं सर्कुलर मोशन बोलूंगा कि रोटेशनल मोशन बोलूंगा, मैं तो रोटेशनल बोलूंगा, आप देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन कौन मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। ये जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, अगर ये अपना टायर अपने एक्सिस पे घूम रहा है, दैट विल बी अ रोटेशनल मोशन या मूवमेंट, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जो एग्री नहीं करते सीधा लिख देना, नहीं करते जो सीधा लिख देना, और इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन दूंगा समझ जाओगे, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या होता है, ये तो बोल बात हो गई रोटेशनल की, बिल्कुल। अब मुझे बता दो ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या होता है, जल्दी कमेंट कर दो ट्रांसलेशन मूवमेंट क्या होता है, इतना बेहतरीन एग्जांपल देने वाला हूं ना, लाइफ के लिए क्लियर हो जाएगा, क्या बात है। अब आया ऋषि फॉर्म में, वापस फॉर्म में आ रहा है, ऋषि फॉर्म में आ रहा है ना। चलिए तो बता दीजिए जल्दी रोटेशनल और ट्रांसलेशन। अब मुझे बता दो अगर रोटेशनल मूवमेंट, अगले पेज पे लिख रहा हूं, इसको मैं आरएम से करूंगा, इसको मैं टीएम से करूंगा, ठीक है याद रखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आरएम ज्यादा हो जाए टीएम से तो क्या होगा, जल्दी बताओ।
आरएम अगर ज्यादा हो जाए टीएम से तो क्या होगा, क्या स्लिप हो जाएगा? और अगर आरएम कम हो गया टीएम से, तो बिस्किट सही तो लिखा है। अब बताओ किसको समझ नहीं आया? मुझे नहीं लगता जितने बच्चे ऑनलाइन है कोई बोल देगा कि सर समझ नहीं आया, कोई एक बच्चा भी बोल दे कि समझ नहीं आया, सबके दिमाग में क्लियर है। अगर नहीं है क्लियर कमेंट करो, वादा कर रहा हूं फिर से बता दूंगा, शर्माने वाली कोई बात नहीं है ना, मेरी थोड़ी सी इंसल्ट हो जाएगी कि अरे सर नहीं आया, बाकी मैं समझाऊंगा ठीक है। किसको नहीं आया क्लियर जल्दी बता दो, बिल्कुल किसी को दिक्कत है इसमें, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं भैया प्लीज कमेंट कर दो यार, बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए यार। आ गया, चलो मतलब मेरी इंसल्ट नहीं हुई है ना। अगर रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा है इससे ट्रांसलेशन मूवमेंट से, तो स्लिप हो जाएगी गाड़ी, स्लिप होगी ना, रोटेशनल ज्यादा हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल नहीं होती है उस पर आएंगे, फ्रिक्शन पे जाऊंगा जब मोर आऊंगा उस पर। अब मेरी एक बात बताओ, मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूं, एक गड्ढा है ये गाड़ी है, यहां से चढ़ रही है, ये चढ़ा नहीं है मुझे है ना, यहाँ पे मान लो एक और रोड है ऐसी है, ये रोड है ऐसी है ना, ये रोड है, ये ऊपर है रोड, ये नीचे है। अब यहां से गाड़ी आ रही है, मेरे पास तीसरा हाथ है, अब ये यहां से गाड़ी आ रही है, इसके ऊपर चढ़ानी है, तो वो जो टायर वाला जो है ना, टायर वाला अगर ज्यादा रोटेशन हो गया तो स्लिप हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, चढ़ेगी नहीं वापस नीचे आ जाएगी, बात समझ आ गई। तो याद रखिएगा अगर रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा हो गया ट्रांसलेशन मूवमेंट से तो गाड़ी स्लिप होगी, और रोटेशनल मूवमेंट कम रहा इससे ट्रांसलेशन मूवमेंट ज्यादा हो गया तो स्किड हो जाएगी गाड़ी। जो ब्रेक के केस में होती है, जब हम लगाते हैं, आप किसी चीज को मूवमेंट दे रहे हो, उसका जो रोटेशनल मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, हमारी गाड़ी 100 की स्पीड में भाग रही है, क्या है ये रोटेशनल मूवमेंट, हम इसको अचानक क्या करते हैं कम करते हैं, क्या करते हैं लेस कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्किड होती है गाड़ी, बात समझ गए, बात समझे कि नहीं, कैसा लगा बेटा ये सब चीजें? आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने चीजें समझाई है, मुझे पता है ये सब जो मैंने बोला है, ये टायर ये सब आउट ऑफ द बॉक्स है, बट समझाने के लिए इंपॉर्टेंट थी। लाइफ में कभी स्किड और स्लिप नहीं बोलोगे क्या होता है। आया मजा आया, ये आपको मजा आया क्योंकि आपने पहला ही लेक्चर पहला बेसिक से देख रहे हो, तो ऐसा जुड़े रहना, जिस दिन नहीं जुड़ पाओ उस दिन क्या करना है ऑफलाइन देख लेना, लेकिन जुड़ना है सभी को, तो ठीक है। तो मैं ये वैसे आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, कल बात करेंगे कैम्बर एम्बर के बारे में बहुत डिटेल में, फ्रिक्शन क्लियर हो गया, स्किड स्लिप क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है। चलो तो ये मेडिसिन लेने की वजह से नींद आ रही थी सर, फिर भी देख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो भैया यहां तक क्लियर है चीजें, किसी को कोई दिक्कत है अभी पूछ लो। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, उसके बाद मैं टाटा बाय बाय हो रहा हूं आप लोगों के साथ। इस संडे अपने सिविल मैकेनिकल सभी भाइयों को बुला लीजिएगा, पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बार देखेंगे, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को, बहुत दिक्कत आ रही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरा देखने वाले हैं, उसमें क्या क्या मैं कवर करूंगा, एसएफडी बीएमडी पूरा, ठीक है, ब्रीफ लूंगा सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके, उसके बाद क्या लूंगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लेना है, थोड़ा सा फ्रिक्शन ले लूंगा, और क्या बोला था यार, और बताओ मुझे एक आध टॉपिक और क्या था, ठीक है। विजय जो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर किसी भी ईयर में, ये देखना कंपलसरी आपके लिए, बिल्कुल बेसिक से और बहुत बढ़िया बात करूंगा इसमें, और एक आध टॉपिक आप लोग बता दो कोई बचाओ तो, मेरे हिसाब से इनफ है ना, तो एक आध टॉपिक और बचा होगा, एफबीडी बता दूंगा थोड़ा सा, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ अरे मैंने लिखी दिया यार, बेंडिंग स्ट्रेस, चलो बेंडिंग स्ट्रेस वो तो सोम में चले गए यार, ठीक है बता दूंगा बेंडिंग, और एफबीडी तो लाऊंगा, और कुछ तो अपने सिविल मैकेनिकल भाइयों को यहाँ पर बुलाना है, ठीक है। तो भैया ये था आज का लेक्चर, छोटा लेक्चर सुखी लेक्चर, सिर्फ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने आया था, लेकिन मजा आने लगा तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ा दूं। तो भैया कल से बहुत डिटेल में चीजें होने वाली हैं, प्लीज टाइम पे आ जाना 2:30 बजे, है ना। मैं 5 मिनट आप लोगों का वेट करता हूं, आपको भी पता है 5 मिनट आपका वेट करूंगा, और आज शाम को भी 6:30 बजे मिलना है, ठीक है। शाम को 6:30 बजे आ जाओ, एप्टीट्यूड अगर पढ़ना है तो वहां पे गेट इंजीनियरिंग सर मतलब जेई के जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह जितने भी आते हैं, सारे एप्टीट्यूड और इंग्लिश दोनों कराता हूँ,
तो 6:30 बजे जुड़ जाओ, थोड़े से मजाक मस्ती कर लेंगे, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? ट्रसेस, ट्रसेस उसके नेक्स्ट संडे लाऊंगा, देखता हूँ यार, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं खींच सकता ना लेक्चर, 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ट्रस्ट पे भी घुसूंगा, फिर पूरा बताना पड़ेगा पहले मुझे जॉइंट वगैरह, ठीक है। और कोई भैया कोई कमेंट हो, स्पेशल ख्वाहिश हो तो बता दो। संडे मैंने आपको समर्पित कर दिया है, संडे आप जो बोलेंगे चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ाई से रिलेटेड, ये नहीं कि सर क्रिकेट खेल के बताओ, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आप बोलेंगे सब कुछ संडे आपको समर्पित किया है, सुबह 10:30 बजे, है ना, सुबह 10:30 बजे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो और कोई दिक्कत भाइयों, अब रोज जुड़ना है 2:30 बजे, और शाम को 6:30 बजे मिल रहे हैं, है ना, शाम को 6:30 बजे मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या कैसा है, ठीक है। तो स्पेशल क्लास है एप्टीट्यूड की, ठीक है। और कोई दिक्कत जल्दी पूछ लो, अरे यार भूल ही गया लगता है यार, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, भूल गया, अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं भूल गया था, ठीक है दोस्त। और कोई तो भैया कल मिलते हैं YouTube पर, कल मिलेंगे शाम को, फिर से रूबरू होते हैं यहाँ पर, है ना, वहां पर भी ऐसी प्यार दिखाना। और दोस्तों प्लीज वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जाम की उनको भी शेयर करो, आपको दिखा मैंने कितनी डिटेल में पढ़ाया, और मेरे नोट्स की मेहनत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, कभी बैठना बनाने समझ में आ जाएगा, ठीक है, कभी बैठना बनाने, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मजा भी आया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल फिर से 2:30 बजे, अभी शाम को 6:30 बजे मिलते हैं, और कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से, फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आपने एंजॉय तो किया है मेरे वीडियो को, मुझे पता है, तभी लास्ट तक बने हुए हैं बच्चे, थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए। कल मिलेंगे 2:30 बजे, टाइम पे आ जाना, कल इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मैं कल बेसिक से ऊपर उठने वाला हूँ, आज बेसिक बातें कर ली है ना, तो बेसिक से ऊपर उठेंगे यार, तो टाइम पे आ जाना, ये सब चीजें देखो इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, है ना, ये सब चीजें बहुत दिक्कत है बच्चों को, है ना, तो कल टाइम पे आ जाना, मिलते हैं कल, ओके दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, शाम को 6:30 बजे भी टाइम पे आ जाना दोस्तों, ठीक है, चलिए गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ, बाय बोलूंगा ना, गुड नाइट क्यों, शाम को बोलूंगा, बोलूंगी बाय बाय दोस्तों, शाम को मिलते हैं।